एंटरटेनमेंट की दुनिया का ताजा हाल तो जरा देखिए एक नजर। लोग मारे को बहुत पसंद करो, मैं हुई बहुत फुटरी, पर एक बात बताऊं पते की, खूबसूरती तो मारे दर्शकां के आँखियां में है। साची मेकअप में जनरली जब हम थोड़े तैयार होकर के किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो जैसे होता है एक मौका मिलता है आपको तैयार होने का, तो उस वक्त कुसुम भी बहुत अच्छी तरह तैयार होती है, तब थोड़ी एक्सपेरिमेंट भी कर लेती है, लिपस्टिक भी लगा देती है, काजल तो वैसे लगता ही है। बट आई थिंक मेकअप के लिए बेसिक जो बेस हम करते हैं विच बिकॉज ऑफ कुसुम बीइंग अ हाउसवाइफ एंड तो इट्स अ लिटिल बेसिक, और अभी पूरे एक्सपेरिमेंटेशन का मौका नहीं। अगर केटी साहब मुझे कहें कि उनकी अगली फिल्म की मैं हीरोइन हूँ तो आई गो ऑल आउट, मेरे पास एक और किट है इतना बड़ा जो अब तक खुला नहीं है, वो भी मैं खोल दूंगी, आई विल ओपन ऑल द कलर्स, आई विल बी अ रायट ऑफ कलर्स। होता तो बहुत कुछ है, वेल देयर इज अ लिटिल कॉम्पैक्ट दैट आई यूज, ओके विच इज काइंड ऑफ ओ सो आई एम यूजिंग इट, खत्म हो रहा है। And there is a little liquid base, which generally works best. Blush ons के लिए मेरे पास एक पूरा एक किट है, बट उतनी की ज़रूरत पड़ती नहीं है, so we just go with a little pink. Yes, brushes का पटारा है हमारे पास, जो कि हम कर घूमते हैं, फिर काजल है, फिर आईलाइनर है, फिर हाँ ऐसे ही कुछ है, फिर थोड़ा सा शिमर है कभी कभी चमक धमक लाने के लिए, कलर्स ब्लश ऑन, मुझे लगता है जैसे क्रीम ब्लश ऑन एंड काजल, लिपस्टिक का मुझे शौक नहीं है, आधी लिपस्टिक तो लगते मैं खा चुकी होती हूँ, सो आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ लिपस्टिक, तो शूटिंग के दौरान भी मैं मुझे याद कर दिलाती हूँ मैम थोड़ा तो अब लगा लेना चाहिए मेरे ख्याल। मैं आप सबने नका रही हूँ, आओ मारे पिटारे में देखो काय काय हो गए साज सज्जा की वस्तु, क्या आपको पता नहीं मैं डायलॉग कोच है, ओके हाँ मारे पिटारे में ये सब हो ये। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। इश्क सुभान अल्लाह में न जाने कब होगा सुभान अल्लाह, जी हाँ कबीर और जारा का इश्क, क्योंकि इनकी इश्क की कहानी में स्पीड ब्रेकर जीतने हैं। बहरहाल इन्होंने तो स्पीड ब्रेकर अपने घर में ही रख रखा है जिसका नाम है रुखसार, और वो भैया इन दोनों की शादी में हड़कंप मचाने का कोई भी अवसर छोड़ नहीं रही है। अब देख लीजिए हमारी जारा को जलाने के लिए क्या क्या नायाब तरीके ढूंढ रही है।
रुखसार को जरा देखिए, कबीर के साथ कैसी हरकत कर रही है। वो कबीर पर प्यार जता नहीं रही है बल्कि उसे गुस्सा दिला रही है। कबीर के पीछे जब उसने जारा को देखा तो उसकी हरकत और भी बढ़ गई। उसे लगा कि कबीर और रुखसार को ऐसे देख वो जल जाएगी, लेकिन रुखसार ये नहीं जानती है कि जारा जलने वालों में से नहीं बल्कि जलाने वालों में से है। इसके लिए उसने एक अच्छा खासा तरीका भी निकाल लिया है। कबीर की बीवी नंबर वन का हक क्या होगा और बीवी नंबर टू का हक क्या होगा, दोनों के हक को उसने बराबरी में बांट दिया है। सबसे पहली चीज है मोहब्बत, यानी कि शौहर को दोनों बीवियों को बराबर की मोहब्बत देनी होगी। तो कभी हिस्सा आज से अपना दिल दो हिस्सों में बांट लीजिए। पहला हिस्सा बीवी नंबर एक की मोहब्बत के लिए और दूसरा बीवी नंबर दो की मोहब्बत के लिए। पॉइंट नंबर दो है वक्त। इसका ये मतलब है कि शौहर दोनों बीवियों को बराबर का वक्त दें। तीसरा पॉइंट है खाना। इसका ये मतलब है कि शौहर दोनों बीवियों के हाथ का बना हुआ खाना एक एक करके बराबर से खाएं। लेकिन क्या अब कबीर को ये सब मंजूर होगा, क्योंकि कबीर ये अच्छे से जान गया है कि कौन सच्चा है कौन झूठा। रुखसार के इरादे नेक नहीं है और वो झूठ बोल रही है कि वो कबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है। एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो प्यार होता है वो जेलसी के बिना अधूरा होता है, जो सच्चाई होती है वो झूठ के बिना अधूरी होती है, और जो सही होता है वो गलत के बिना अधूरा होता है। सो हम गलत हैं, गलत तरीके से चीजें करते हैं, लेकिन आपको सही की इम्पोर्टेंस तभी पता चलेगी जब गलत हारेगा। अभी तो रुखसार बहुत ज्यादा खुश भी है, क्योंकि अभी वो एक जो चीज वो बचपन से सोचती थी अभी वो उसको पोजीशन मिल गया, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहती है। तो वो अभी जस्ट अपनी ही धुन में है, और आई थिंक जब तक वो पकड़ी नहीं जाती, जब तक उसका झूठ बाहर नहीं आता, वो अपनी धुन में ही रहेगी। वो आखिरी दम तक मतलब ट्राई करेगी कि ज़ारा और कभी जो है वो एक नहीं हो पाए, और कुछ हद तक वो सक्सेसफुल हो चुकी है, क्योंकि अपने आप को बीवी नंबर वन और ज़ारा को बीवी नंबर टू बना दिया उसने। अब सीरियल खत्म होने को है, लेकिन सीरियल खत्म होने से पहले कबीर और जारा रुखसार और उसकी बहन का पर्दा फाश कर ही दम लेंगे। अब ये सीरियल खत्म होगा तो एक अच्छे नोट पर खत्म होगा, क्यों कबीर जारा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। वैसे मानना पड़ेगा हमारी जो ये छोटी गुड्डन है ना, ये बिल्कुल अपनी मॉम की तरह है। आई मीन दिखती तो वैसी ही है लेकिन उतनी ही रिसोर्सफुल है। अभी देखिए, इन्होंने अभी अभी तो रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन एन मौके पर आ गई मुसीबत। लेकिन मुसीबत से यूं 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 खिसक के कैसे निकलते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आप ऐसे तो खाने से आपकी नजरें तो हटी नहीं, तो आपने चलो छोटा सा आइटम पेश कर ही दे, सबका तो शौक है ही हमें। छोटी गुड्डन से तो मिलिए, इस छोटी गुड्डन का नाम भले ही छोटी है लेकिन ये हूबहू अपनी माँ की ही तरह है, दिखने में भी और हाँ हंगामे करने में भी। अब गुड्डन और एजे के रेस्टोरेंट को आगे बढ़ा रही है छोटी गुड्डन। जरा देखिए, इस रेस्टोरेंट में कुछ ऑफिसर्स आए हैं इनका खाना चेक करने के लिए कि भाई खाना अच्छी क्वालिटी का बनता है या नहीं, ये खाने में किसी तरह की मिलावट तो नहीं होती है। हमारी पैराडाइज यही इंदौर की है, 40 साल में इससे बढ़िया दाल पहले अब छोटी गुड्डन इन ऑफिसर्स को बटर पॉलिश कर ही रही होती है कि अचानक से एक छोटा सा चूहा नजर आता है। आप ऐसे तो खाने से आपकी नजरें तो हटेंगी नहीं,
अबे जिस रेस्टोरेंट में ये चूहा मिलेगा तो वहाँ पर क्या होगा, उस रेस्टोरेंट का नाम तो खराब होगा ही ना। लेकिन ये छोटी गुड्डन भी बड़ी कमाल की चीज है, जरा देखिए झटपट से कैसे उसने इस चूहे को छुपा दिया। उफ, इस चूहे की वजह से तो आज सच में बनता काम बिगड़ जाता। लेकिन अब खैर छोटी गुड्डन ने मामला संभाल लिया। वहीं दुर्गा जब रेस्टोरेंट में आई तब गुड्डन की हरकत को देखकर उसे छोटी गुड्डन की माँ की याद आ गई। अभी जब गुड्डन थी तो तुम सब लड़ते नहीं थकते थे, अब जब वो नहीं है तो खूब प्यार आ रहा है। अब दुर्गा को तो अपने किए का पछतावा हो ही गया था, तभी तो गुड्डन और एजे के जाने के बाद उसने छोटी गुड्डन को पढ़ाया लिखाया और इतना बड़ा किया। अब आगे देखेंगे कि छोटी गुड्डन के साथ दुर्गा का रिश्ता कितने लंबे समय तक बरकरार रहता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। किंजल के परिवार को अनुपमा की फैमिली ने इनवाइट किया है भाई, शादी से पहले समधी समधन मिल ले एंड थोड़े से ईज आउट हो जाएं, जो लगता नहीं है होने वाले हैं। लेकिन एनीवेज टू काइंड ऑफ फैसिलिटेट दैट ओकेजन, भाई गरबे का भी उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया है। लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगता है कि ये गरबा धमाकेदार होने वाला है। ना ना, डांस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, धमाके के पॉइंट ऑफ व्यू से। दया से अनुपमा ने दो शो के लिए जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। किंजल के घर वालों को आज घर पे आने का न्योता मिला है और इसकी तैयारी धूमधाम से की है अनुपमा ने। फंक्शन में और ऐसा दरवाजा बंद, कौन जो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, तुम्हें क्या लगा कि ये लोग बहुत प्रमोशंस करके आएंगे? घर में सबने आज अनुपमा के पसंद के कपड़े पहने हैं और हाँ, जैसा कि गुजराती परिवार है तो गरबा होना ही चाहिए। गरबे के साथ स्वागत किया किंजल के परिवार का अनुपमा के परिवार ने। उस लेवल तक बात पहुंच गई है कि गोड़धाना की रसम हम लोगों ने करी है, कल से शुरू करी थी इनफैक्ट, तो आज हमने वो रसम पूरी की है। और
परिवार में जैसे ही खुशी का मौका होता है तो कुछ ना कुछ पंगा भी पड़ जाता है, तो अभी एक पंगा हुआ है। कितनी खुश है अनुपमा, और तोशु को तो देखिए, उसे देखकर तो लग रहा है कि जैसे उसकी दुनिया पूरी हो गई है। ऐसी खुशी इनके घर में बड़े दिनों बाद आई है। लेकिन भाई कहते हैं ना, टेलीविजन का इतिहास होता है, जहाँ पर ज्यादा खुशी आती है वहाँ पर झटपट से पीछे से कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि खूब भारी भरकम से आंसू सबको बहाने पड़ते हैं। इस रिंग सेरेमनी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। कुछ भी हो सकती है, लेकिन लापरवाह बिल्कुल भी नहीं है। वो हर चीज़ जिम्मेदारी से करती है, और जो चीज़ वो अपना स्त्रीधन बेच के लाई है उसे डेफिनेटली उसने संभाल के रखा है। तो लापरवाह तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन हाँ, अंगूठी खो गई है और उसे हम ढूंढ रहे हैं। अब वो कैसे मिलेगी, किसके पास मिलेगी, इसे देखना ज़रूर। अब पूरी कहानी के पन्ने अगर आपके सामने पढ़ लेंगे तो आप सीरियल में क्या देखेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना सीरियल देखने के लिए भी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। सीरियल का नाम है ए मेरे हमसफर, यानी कि यहाँ पर सफर के लिए साथी ढूंढा जा रहा है, एक रिश्ता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा ना। देखिए, पायल और वेद की शादी होने जा रही थी, लेकिन एन मौके पर मंडप से दुल्हन हो जाती है गायब। अब द बिग क्वेश्चन मार्क इज कि प्रतिभा देवी जो बड़ी धूमधाम से बारात लाई थी, अब वो नई दुल्हन कहाँ से जुगाड़ेंगी। कन्या को मंडप में बुलाइए। जी पंडित जी, अभी बुलाइए। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, माँ से कहना मुझे माफ करे। जैसा सोचा था देखिए वैसा ही हो रहा है। पायल तो वैसे कभी भी शादी करना नहीं चाहती थी वेद के साथ, लेकिन फिर भी उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। अब देखिए पंडित जी तैयार हैं मंडप में और दुल्हन का इंतजार हो रहा है, लेकिन ये क्या विधि रोते रोते क्यों नीचे आ रही है। अब सीन तो पूरा फिल्मी है, होने वाली दुल्हनिया इस घर को छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि पायल को तो फिल्मों में काम करना है। शादी तो बाद में भी हो सकती है, पर हीरोइन बनने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, माँ से कहना मुझे माफ करे। जो बेटी शादी का मंडप छोड़कर भाग गई हो, भला उसके परिवार को कौन कौन नहीं कोसेगा। इसकी शुरुआत सबसे पहले इमरती देवी ने ही शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, मेरी जो बहन है पायल, वो मिसिंग है, पता नहीं क्या हो गया उसको, और उसकी शादी थी, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो कुछ बता के भी नहीं गई, तो पता नहीं क्या हो गया उसे। मुझे उसके लिए कंसर्न भी है, एंड ऑब्वियसली जो इमरती भाभी हैं मुझे बहुत कुछ सुना रही हैं, तो इस वजह से मैं काफ़ी रो रही हूँ। मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं ना मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ अपना भाई समझ के, यू नो, उससे मैं रहती हूँ, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी अगर कोठारी परिवार के खिलाफ अगर कोई भी कुछ भी बुरा काम करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसलिए इमरती को इस वक्त बहुत गुस्सा आया हुआ है कि ऐसा हमारे साथ कैसे हो गया। आज एक माँ को उसकी परवरिश पर खूब सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। मंडप में इतना कुछ तमाशा हो रहा है, लेकिन प्रतिभा देवी चुपचाप सुन रही है। अब वो तो सदमे में है, अब क्या होगा। अरे भाई, होगा वही जो चाहते थे सब, पायल की जगह विधि बनेगी दुल्हन। हमारी विधि से भी मुलाकात कीजिए। देखिए, जहाँ परिवार होता है वहाँ सबके सब होते हैं। ये है मेरी विधि। स्वीटी, मेरे दो दो माँ हैं यहाँ पर, क्या बोलूँ, ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन, और एक रियल सासू माँ। रियल सासू माँ।
और एक सासू माँ भी। हाँ, लेकिन विधि का तो कहना है कि उसे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे तो आईएएस ऑफिसर बनना है तो मैं तो दुल्हन नहीं बनूंगी, मुझे तो आईएएस की पढ़ाई करनी है और आईएएस ऑफिसर बनना है तो मैं तो काफी स्ट्रांग हूँ, देखते हैं आगे। अब भाई विधि, आईएएस ऑफिसर भी बन जाना, लेकिन उससे पहले शादी तो कर लो, क्योंकि आपकी सासू माँ है ना, जिन्हें सब भाबों के नाम से जानते हैं, उनका तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि संध्या बिंदनी भी तो थी जिसने पहले पढ़ाई की, बाद में शादी और फिर आईएएस ऑफिसर बन गई थी। तो भाई आपकी सासू माँ भी तो वही है, बस नाम बदल गया है। आप शादी के लिए हाँ तो कर दीजिए, फिर देखना आपके लिए कैसे दो दो रास्ते खुल जाएंगे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।